असल में प्रेस क्लब का काम ही फ्लॉप है बुश करना। प्रेस क्लब के 3,000 के करीब मेंबर्स हैं, हम उनके लिए वक्तन फवक्तन ये कैंप्स का इनेकाद करते रहते हैं। बेसिक हमारे टेस्ट होते हैं, बेस लाइन्स वो सारे हो रहे हैं यहाँ पे, जो कि वैसे अगर किए जाएं तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बेसिकली हमारा मकसद है कि अपने जो जर्नलिस्ट और उनकी फैमिलीज हैं उनको सहूलियात फराहम करना हो। इंशाल्लाह हम इनको 50% फ्लैट डिस्काउंट हम इनको ऑफर करें, 30-40-50% तक मिल जाएगा डिस्काउंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खलीज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा इकबाल। आज हम मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब में, जहां पे एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। इस फ्री मेडिकल कैंप में ना सिर्फ सहाफ़ियों के टेस्ट किए जा रहे हैं बल्कि इनको फ्री मेडिकल चेकअप भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए देखते हैं ये किस तरह से वर्किंग हो रही है इसकी। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शकील अंजुम साहब, जो कि दोबारा मुंतखब होकर प्रेसिडेंट बने हैं प्रेस क्लब के। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं। असल में प्रेस क्लब का काम ही फलाह व बहबूद करना, एंटरटेनमेंट मुहैया करना, फैमिलीज़ को इंगेज रखना और जर्नलिस्टों के जहनों से जो स्ट्रेस है वो कम करना। तो हमने अपने दौर में पिछले 16 से लेके अभी तक हमने बड़ी कोशिश की है कि मैक्सिमम काम कर सकें। हमारी ये ख्वाहिश थी कि पिछले अदवार में हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम हर उस शख्स का टेस्ट कराएं जो ये हमारे शोबे से इन्वॉल्व इंगेज है, लेकिन ख़ास तौर पे डेस्क के लोगों का किया जाए, क्योंकि डेस्क के लोग उठते अपने रात को जाते हैं और सारी रात काम करके दिन को वो घर चले जाते हैं, सो जाते हैं, टाइम नहीं होता उनको। नाज़रीन, हम मौजूद हैं नदीम चौधरी साहब के साथ, जिन्होंने ये आज का जो फ्री मेडिकल कैंप है ये इनेकाद कराया है। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने सहाफ़ियों के लिए और क्या क्या काम किए हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे जो नेशनल प्रेस क्लब के 3,000 के करीब मेंबर्स हैं, हम उनके लिए वक्तन फवक्तन ये कैंप्स का इनेकाद करते रहते हैं, जिसमें मेडिकल की सहूलियात होती हैं। इसी तरह हमने तमाम मेंबर्स के लिए एक MOU साइन किया एक लेबॉरेटरी के साथ, कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर, वहाँ हमारे तमाम मेंबर्स और उनकी फैमिली के लिए हर किस्म का लैब टेस्ट जो है 50% डिस्काउंट होता है। और इसी तरह हमने तमाम लेबॉरेटरीज़ को दावत दी है, 11 से ज़्यादा लेबॉरेटरीज यहाँ मौजूद हैं। हमारा मकसद ये था कि उनको यहाँ बुलाकर अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ और यहाँ पर फ्री चेकअप कराएँ और फ्री टेस्ट करवाएँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पैनल पे कौन कौन सी लेबॉरेटरीज़ हैं जो सहाफ़ियों को 50% ऑफ देती हैं। इस वक्त हमारे पास कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर है और 3-2 लेबॉरेटरीज और हैं, SET.com वाले हैं, उनके कार्ड्स हैं जो तमाम लेबॉरेटरीज पे होते हैं, उनका डिस्काउंट कार्ड हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा PIMS के साथ हमारा एक MOU साइन हुआ था, जिसके तमाम मेम्बर्स के हमने कार्ड बनाए थे और तमाम मेम्बर्स अपनी फैमिली के साथ ग्रेड 18 के बराबर उनका इलाज फ्री होता था। जी डॉक्टर उस्मा रहमान साहब, ये बताइएगा कि जो आज फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, इससे सहाफ़ियों का कितना फायदा होगा? बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज एक तो फ्री कंसल्टेशंस है एंड फ्री ब्लड टेस्ट भी है। और कंसल्टेशन में ये होता है कि जब आपको देख लिया जाता है तो उसके बाद फिर आपके लिए एक डायग्नोसिस बना दी जाती है ना, तो फिर उसके बाद हमने प्रिस्क्रिप्शन भी पेशेंट्स को लिख दी है हमने, तो फिर फॉलोअप आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिकल कैंप्स तो आप लोग डिफरेंट जगह पर इनेकाद करते रहते हैं। अच्छा, आप ख़ुद भी डॉक्टर हैं, तो आपने ये मुआयना किया कि क्या ये सही टेस्टिंग कर भी रहे हैं या नहीं? अच्छा, टेस्टिंग का तो अभी तक मैं देख ही रही हूँ कि जो बेसिक हमारे टेस्ट होते हैं, बेस लाइन्स वो सारे हो रहे हैं यहाँ पे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, जो कि वैसे अगर किए जाएँ तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। प्रॉपर SOPs फॉलो हो रही हैं? हाँ जी, SOPs फॉलो हो रही हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं अनवर रज़ा साहब के साथ, जो कि सेक्रेटरी प्रेस क्लब हैं, और आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि ये फ्री मेडिकल कैंप से सहाफ़ियों को क्या फ़ायदा होगा। एक तो वन विंडो ऑपरेशन है, हेल्थ में उससे मुतालिक तमाम जो टेस्ट हैं वो यहीं पे किए जा रहे हैं। इसमें लिपिड प्रोफाइल है, कोरोना का टेस्ट है, कैल्शियम का टेस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग है। और इसके साथ साथ आप देखें कि जो जर्नलिस्ट की फैमिलीज़ हैं, इनको बड़े मसाइल का सामना होता है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको एक टेस्ट एक जगह से करवाना पड़ता है, दूसरा दूसरी जगह से। और सबसे बड़ी बात है कि सेहत बड़ी नेमत है, और इसके लिए आपको अपनी हेल्थ केयर के लिए चाहिए कि आप टेस्ट करवाएं हर 6 माह के बाद। बेसिकली हमारा मकसद है कि अपने जो जर्नलिस्ट और उनकी फैमिलीज़ हैं उनको सहूलियात फराहम करना हो। उसी सिलसिले में आपने देखा कि आज इस
प्रेस क्लब में तमाम टेस्ट जो हो रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इन तमाम डोनर्स का, इन तमाम लैब्स वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो यहाँ पर आए और उन्होंने जर्नलिस्ट की फैमिलीज जो हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमारे साथ ताउन किया। जी अली काजमी साहब, ये बताइएगा कि सुबह के आप कितने फ्री सैंपल्स इकट्ठे कर चुके हैं? अभी तक तकरीबन हम लोग 100 टेस्ट कंडक्ट कर चुके हुए हैं, 100 लोगों के टेस्ट, ठीक है। और हम लोग जो कर रहे हैं वो है ब्लड सीपी मीन्स कंप्लीट पिक्चर। उसमें आपकी सेल्स की स्टडी होती है, आपके वाइट सेल्स काउंट कितने हैं, रेड सेल्स काउंट कितने हैं, आपके हीमोग्लोबिन क्या है, खून बनाने की सलाहियत आपके अंदर कितनी है, ओवरऑल आप कह सकते हैं सेल्स की एक इसके अंदर असेंबल कर दिया जाता है सेल्स को, कलेक्टिवली 12 से 15 चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। अच्छा, ये साफी बात, बरादरी को आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? जी हम खुश आमदीद कहते हैं इनको, और इंशाल्लाह इनकी फैमिलीज को, इनके साफ़ी बरादरी में से खा किसी भी डिपार्टमेंट में से हो, खा वो कैमरा मैन हैं, रिपोर्टर हैं, आपके दिगर किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इंशाल्लाह हम इनको 50% फ्लैट डिस्काउंट हम इनको ऑफर। असल मेरा ताल्लुक तो साइकोलॉजी से है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, और हमने यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है, अगर किसी को काउंसलिंग चाहिए, कोई कोविड के हवाले से किसी को कोई स्ट्रेस है, या वैसे ही डेली लाइफ के हवाले से किसी को कोई स्ट्रेस है, तो वो काउंसलिंग ले सकते हैं, सेशन भी ले सकते हैं हमारे साथ, मेरे साथ और भी मेरी फ्रेंड्स हैं, तो और लेक्चर्स वगैरह देने हैं डिसऑर्डर्स के बारे में, लाइक इंसोमिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गई, ईटिंग डिसऑर्डर्स बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, तो मतलब अवेयरनेस ज़रूरी है इस हवाले से। अच्छा, ये बताइएगा आप लोगों का जो क्लिनिक है वो सहाफ़ियों को डिस्काउंट दे रहा है? बिल्कुल, अगर सहाफ़ी आएंगे तो बिल्कुल उनको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप हमारे पैनल से बताएंगे कितना परसेंट डिस्काउंट आप उन्हें देंगी तो वो थोड़ा गाइड कर दें। 30-40-50% तक मिल जाएगा डिस्काउंट। जी अब्दुल वहाब साहब, ये बताइएगा आपने फ्री टेस्टिंग के लिए सिर्फ नेशनल प्रेस क्लब और सहाफ़ियों को ही क्यों चुना? एक्चुअली यहाँ पे इसलिए हम नेशनल प्रेस क्लब में, इसलिए हमने फ्री मेडिकल कैंप में कंट्रीब्यूट किया है कि यहाँ पे चूँकि ये सारे साफ़ी बरादरान यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनके तक जब एक बात पहुँचेगी किसी भी टेस्ट के बारे में, तो ये मज़ीद उसको जो है ना स्प्रेड करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, और जो है ना ज़्यादा फास्ट जो है उसकी स्प्रेड हो जाएगी। सबसे पहले तो प्रेस क्लब इस्लामाबाद का शुक्रिया, नदीम चौधरी साहब का शुक्रिया, और दीगर अहदेदारान का जिन्होंने हमें स्पेस दी और आज इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ यहाँ पर। और हमारा एक इरादा है कि इंशाल्लाह हर 3 महीने बाद इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब को हम एक इवेंट दिया करेंगे इसी तरह, और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिरकत करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात हासिल। आज हम तकरीबन 8 से ज़्यादा फ्री टेस्ट कर रहे हैं जिनकी मालियत जो है फीकस जो है 3500-4000 बन रही है, और इस तरह 100 या 150 लोगों को जो अब तक हम ये सहूलत दे चुके हैं इस वक्त तक। तो डॉक्टर साहब, आज प्रेस क्लब में जो आपने कैंप लगाया तो आपकी क्या जिम्मेदारियां थी? लोगों को बताया कि डायबिटीज़ क्या है, ये पाकिस्तान का कितना बड़ा अलमिया बनता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। पाकिस्तान अब तकरीबन उन जो ममालिक में शामिल हो चुका है जिसमें सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स मौजूद हैं, तकरीबन 4th नंबर पर पाकिस्तान आलमी दुनिया में जो है ये पहुंच चुका है। डॉक्टर साहब, इस वक्त कोरोना के वबा के दौरान आपने नेशनल प्रेस क्लब तशरीफ़ लाई, यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, तो क्या किस नज़र में आप देख रही हैं इस वक्त साफियों के हवाले से जो टेस्ट हुए उससे आपने क्या आखज़ किया? देखिए, टेस्ट की रिपोर्ट्स अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और जो हमारे पास पेशेंट्स आए हैं वो सिर्फ कोरोना या इस तरह के सिम्टम्स के साथ ही हैं। हमारे पास तो जनरल जो पॉपुलेशन है जिनको इश्यूज आए, मैदे के मसले हो गए, शुगर, इस तरह के मसाइल के साथ आए हैं, लेकिन ये है कि कोविड की नो डाउट वो अब जो वेव आई है वो ज़्यादा सिवियर और उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो वो फैल भी ज़्यादा रहा है, तो उसमें फ़िलहाल हमने लोगों को टेस्ट एडवाइस किए हैं, वो जैसे ही वहाँ पे रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि अभी कितना मतलब इसका एक्सटेंड है और कितना फैल रहा है। लेकिन जो ओवरऑल हमारे पास सिचुएशन है उसमें तो यही है कि क्योंकि केयर शायद कम होगी या लोगों में थोड़ा सा ये नेग्लिजेंस है लोगों की तरफ से भी, तो वो चीज़ें ज़रा ज़्यादा फैल रही हैं। आपके आवाम को क्या कहना चाहती हैं कि इस वक्त कोरोना की वबा से बचने के लिए क्या इकदाम की सख्त तरीन जरूरत है इस वक्त? गैदरिंग कम से कम हो, मास्क का इस्तेमाल नो डाउट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाथ धोने का जैसे कि हर टीवी पे भी बता रहे हैं हर जगह, तो सबसे पहले हैंड वॉशिंग है, मास्क का इस्तेमाल है, और लोगों से कम मेल जो रखा जाए और लिमिटेड जगहों पे जाया जाए, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त जो जिससे हम बच सकते हैं। जी, इस वक्त जो मेडिकल फ्री कैंप है नेशनल प्रेस क्लब के ज़ेर इत्माम मुनक़द किया गया, और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में भी ऐसे कई किस्म के हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ कैंप का इनेकाद किया जाएगा, और मैं इसमें समझता हूँ कि ये इस आफत का सिरा नेशनल प्रेस क्लब की इंतज़ामिया इनके इलेक्टेड बॉडी पे जाता है। तो खलीज न्यूज़ के साथ राजा इब्रार, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद।